हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजू हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, टॉपिक रुधिर का थक्का बनने की क्रियाविधि। ये स्कंदन की क्रियाविधि जो होती है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त होता है और उसकी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो किस प्रकार से वो जमता है या फिर उसका थक्का बनता है। तो सबसे पहले रुधिर थक्के की जो क्रियाविधि है इसको सर्वप्रथम होवेल ने समझा था। यह एक प्रकार की सुरक्षात्मक प्रणाली है। सुरक्षात्मक प्रणाली होती है जिसमें रुधिर की क्षति होने से बचाया जा सकता है, साथ ही रोगाणुओं के प्रवेश को भी रोका जाता है। इसी के साथ में जब ब्लड बाहर आता है, जब क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त अंग से रुधिर बाहर आता है तो रुधिर के जो अवयव होते हैं ये जेली समान पदार्थ में बदल जाते हैं, और जेली जैसे जो पदार्थ बना है वो रुधिर का थक्का कहलाता है, उसे रुधिर का थक्का कहते हैं। रुधिर का थक्का बनने की जो क्रियाविधि है इसमें जो समय लगता है वो 6 से 10 मिनट का समय लगता है। यानी कि क्षतिग्रस्त होने पर ब्लड जब बाहर आता है तो 6 से 10 मिनट के अंदर वो अपने आप स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। रुधिर का थक्का जो बनता है इसके अंदर विभिन्न जो कारक होते हैं, स्कंदक कारक वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो कारक जो होते हैं वो 13 होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो 13 होती है। स्कंदक कारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित स्कंदक कारक और एक होता है प्रति स्कंदक कारक। प्रेरित स्कंदक कारक वे होते हैं जो स्कंदन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, यानी कि रुधिर का थक्का बनने की क्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रेरित कारक कहलाते हैं, जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और प्रतिस्कंदक कारक वे कारक जो स्कंदन की क्रिया को रोकने का कार्य करते हैं उन्हें प्रतिस्कंदक कारक कहते हैं, जैसे हिपेरिन। अब बात करते हैं, जैसे ही क्षतिग्रस्त होता है व्यक्ति तो उस वक्त स्कंदन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले स्कंदक कारक जो होते हैं वो सभी सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद एंजाइम की तरह कार्य करने लगते हैं। स्कंदन की क्रिया के अंदर फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और पट्टिकाणु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि रुधिर के अंदर पाए जाने वाले फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और पट्टिकाणु ये अपनी मुख्य भूमिका इसके अंदर निभाते हैं। अब क्रियाविधि जो होती है रुधिर का थक्का बनने की क्रियाविधि, स्कंदन की जो क्रियाविधि होती है इस 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण इसके अंदर आता है स्कंदन की क्रिया में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाले कारकों का निर्माण। रुधिर में पाए जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाले जो कारक होते हैं उनका निर्माण होना। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये अनएक्टिव होता है,
और थ्रोम्बिन एक्टिव सक्रिय होता है। तो इसको इसमें बदलने वाले कारकों का निर्माण होना फर्स्ट चरण के अंदर स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे। द्वितीय जो चरण होगा सेकेंड स्टेप जो होती है उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, इनमें चेंज होना। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है इसके अंदर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना, चेंज। ये तीन स्टेप हैं जिनसे होकर रुधिर का थक्का बनने की जो क्रियाविधि होती है वो पूर्ण होती है। अब इसमें हम तीनों जो क्रियाएं होती हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रथम चरण उसके अंदर उत्तक जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। उत्तक जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, साथ ही पट्टिकाणु जो पाए जाते हैं वो टूटते हैं। पट्टिकाणु का टूटना, सबसे पहले जब भी कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है तो उसके उत्तक जो होंगे वो क्षतिग्रस्त होंगे। ब्लड जो होगा उसकी पट्टिकाणु जो है प्लेटलेट जो होती है वो टूट जाती है। टूटने से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का यहाँ पर इनसे निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियक, इसको हम बोल सकते हैं थ्रोम्बिनेज एंजाइम, इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण के अंदर सक्रिय कारक जो होते हैं स्कंदन कारक 7 और 10, और इसी के साथ में इसमें Ca+2 ये भाग लेते हैं। तो ये जो क्रिया हुई ये प्रथम चरण कंप्लीट होता है। सेकंड जो चरण होता है उसके अंदर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को ये चेंज करता है थ्रोम्बिन में, ये असक्रिय, और ये जो होता है ये सक्रिय होता है, और इसके अंदर भी Ca+2 ये इसमें भाग लेता है। ये वाली जो क्रिया है वो यहाँ से द्वितीय चरण नेक्स्ट थर्ड स्टेप फाइब्रिनोजन, इसको फाइब्रिन में बदलता है, और बदलने का जो कार्य होता है वो किया जाता है थ्रोम्बिन सक्रिय के द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला जाता है। यहाँ से ये असक्रिय होते हैं और ये सक्रिय है। ये घुलनशील सील होते हैं और ये अघुलनशील इसके जाल बनता है, फाइब्रिन का जाल, और जाल के अंदर जो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो फंस जाती है। फंसने से रुधिर का थक्का बनता है। ये वाला थर्ड तृतीय चरण, ये वाला पार्ट दोबारा से देखें। प्रथम चरण क्षतिग्रस्त उत्तक,
और उसकी पट्टिकाएँ जो होती हैं, पट्टिकाणु जो होते हैं वो टूटते हैं। टूटने से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टीन का स्राव होता है, इसका निर्माण होता है, जो कि Ca+2 और स्कंदक कारक 7 और 10 के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टीन सक्रियक या थ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये प्रथम चरण के अंदर होता है और सेकंड चरण के अंदर थ्रोम्बिनेज एंजाइम या थ्रोम्बोप्लास्टीन सक्रियक जो होता है Ca+2 के साथ मिलकर अक्रिय या असक्रिय थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज करता है। सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। थर्ड, फाइब्रिनोजन घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, इसको फाइब्रिन अघुलनशील में चेंज किया जाता है थ्रोम्बिन के माध्यम से। और यहाँ पर फाइब्रिन के जो जाल तंतु जो होते हैं वो मिलकर उलझकर एक जाल बनाते हैं और उस जाल के अंदर रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं वो फंस जाती हैं। फंसने से रुधिर का थक्का बन जाता है और इस क्रिया के अंदर समय लगता है 6 से 10 मिनट का, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद रुधिर का जो थक्का बना वो दृढ़ होने लगता है, रुधिर का थक्का वो दृढ़ होने के बाद इस थक्के से रुधिर का जो तरल भाग होता है वो तरल भाग इससे अलग हो जाता है, जिसको सीरम बोलते हैं। सीरम कहा जाता है। सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन वो अनुपस्थित होती है, या हम कह सकते हैं कि रुधिर का वह भाग जिसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो अनुपस्थित होती है उसको क्या कहेंगे, यहाँ से सीरम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से जो रुधिर का थक्का है वो बन जाता है और ये भाग कंप्लीट होता है। इस प्रकार रुधिर का थक्का बनकर रुधिर का जो बहना होता है वो इसका रुक जाता है। धन्यवाद।